आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ रोहिणी सेक्टर 10, ये है जैपनीज पार्क डीडीए का। तो यहाँ डीडीए की तरफ से आज फूलों का महोत्सव बनाया जा रहा है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. इन पेड़ों के बारे में बताएगी और उन्होंने दिखा तो मैं क्या क्या सजाया। तो चलिए मैडम से बात करते हो, मैडम बताएंगी इनके पेड़ों के बारे में। हेलो मैम। हेलो। ये हमने एक टेरेस गार्डन बनाया है, क्रिएट करने की कोशिश की है। तो नीचे हमारा पार्किंग है, ये वर्टिकल गार्डन है। Okay. ये हाइड्रोपोनिक्स हमने शो किया है एंड यहाँ पे हम टेरेस पे फाउंटेन दे रहे हैं। okay. ये टेबल कामिनी है, ये हमने हेज दिया है लैंटना की। okay. ये है आपका कैनीटफ्ट, ये एनिमल्स है, विंटर एनिमल्स। ये कोलियस है, ये पैंसी है, ये मुरैया है। ये हमारा एक सेटिंग एरिया है, ये पोर्शन। यहाँ पे लोग जो पीपल है वहाँ पे लंच वगैरह या हाई टी लेते हैं। ठीक है, वो हमारा छोटा किचन गार्डन है। ये बताओ, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी है, वो ड्रेसिना है, रेड वन ड्रेसिना। उसके साथ में आपका पेटूनिया है एंड सक्यूलेंट्स है। तो हमने वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ देख सकते हो कपल यहाँ बैठे हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो पोर्ट्रेट करने की कोशिश। मतलब कितना टाइम लगा है आपको ये बनाने में? टू डेज। तो ये सर ने भी आपकी हेल्प करी है? सर को फाउंडर है। तो सर आप बताइए कुछ। ये जैसे कि हम देखते हैं आजकल शहरों में स्पेस बहुत कम रह गए हैं, तो हमने लोगों को एक अच्छा और ओपन लोन देने की कोशिश करी है छत पे बना के। ये उसका एक छोटा सा नमूना है, आप देख सकते हैं। एक प्रॉपर घर बनाने की कोशिश की गई है हमने, जो कि ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। उसके बाद हम उसकी छत पर आ जाते हैं, तो हमारे पास इतना स्पेस होता है कि हम उसमें कुछ क्रिएटिव कर सकें। तो इसमें हमने कुछ लोन देके ओपन स्पेस, एकदम खुला खुला स्पेस देने की कोशिश की है। उसके बाद हमने हाइड्रोपोनिक दिया है जहाँ पे हम सब्जी उगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास किचन गार्डन है, वहाँ पे भी हम सब्जी उगा सकते हैं और वी कैन स्पेंड ए क्वालिटेटिव टाइम विद फैमिली एंड वी कैन सी पॉन्ड्स, देयर इज ग्रोइंग वाटर एंड फिश इज। तो उसमें फिश भी है? या फिश इज देयर। तो सर आपने मैडम के साथ हेल्प करी है इसको बनाने में? एक्चुअली मैडम ने मेरे साथ हेल्प की। तो ये प्रोजेक्ट ये आपका है या मैडम का है?
हॉर्टिकल्चर डिवीजन 3 से। हॉर्टिकल्चर डिवीजन 3 का आईडीडी से। अच्छा, डीडी हॉर्टिकल्चर 3 से। सो गाइज, मैंने जिनसे भी बात करी थी मैडम सर से, वो डीडीए में ही जॉब करते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो और भी एसओ हैं और ये लोग भी एसओ थे, तो और एसओ ने भी बनाए हैं ऐसे, बट वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं करा है, तो छोटी छोटी क्लिप में उनकी वीडियो भी डालूंगा। खाने के स्टॉल लगे हैं और बच्चों के लिए है मिकी माउस वगैरह। सारी सेल के लिए ना। बची है पच्ची हैं बैंगन, स्ट्रॉबेरी, ये देख लिए गाइस, बैंगन लगे, टमाटर लगे, संतरे लगे हैं, अपने पापा को दे दी ना, और पीछे भी काफी सारे पेड़ हैं, ये सब सेल के लिए। आज सुबह आया मैं, कल रात को आया, 9 बजे गया था यहाँ से। कल 9 बजे गया मैं यहाँ से। गाइस, ये जैपनीज पार्क है रोहिणी सेक्टर 10 में, और स्वर्ण जयंती पार्क भी बोलते हैं इसको। आना चाहते तो यहाँ जरूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फटाफट से फॉलो कर लो ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।